पे रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा। शादी बहुत ज्यादा हाइप में थी और तुम लोग फेक एलिगेशन लगा रहे हैं। ये बेवड़े छूत, एक अच्छा ना बाप बन पाया ना अच्छी औलाद बन पाया तू। आई थी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन अपने भाई के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण टूट। नहीं नहीं तो नहीं छूटते नहीं करे अंदर, जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क। अरे राम राम, रियलिटी चेक, उस पर 1000 अत्याचार हुआ, इक्वली समर्थ। All right, so क्या हाल है भाई लोग। तो एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ रीतू राठी के बीच में डिवोर्स होने वाला है और रीतू राठी उनको डिवोर्स देने जा रही है और ये न्यूज भाई सारे में ही वायरल चल रही है। और दूसरी अपडेट ये है कि अदनान शेख की बहन इफ़त शेख ने उनके खिलाफ FIR कर दी है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई अदनान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और कभी भी कार्रवाई हो सकती है। और अदनान की सिस्टर इफ़त शेख ने एक इंटरव्यू में क्या कहा आप वीडियो में देख सकते हो। आई थी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन अपने भाई के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, जिसने मुझे मारा था। पूरी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली आज मेरी FIR दे दी गई है। आज हम बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में आए थे, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में ये महिला की जो तकलीफ में चल रही थी कल से, आज उनकी FIR रजिस्टर की है अदनान शेख के नाम पर और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये घर का मैटर था, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि सब अपने घर के बारे में, घर की बातें घर में रखें। बट ये इंसान को कुछ तो तकलीफ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कोई वो इस तरह इन्वेस्टिगेशन की सीधी देखी। मैं अभी FIR हुई है और मुंबई पुलिस से मांग है कि अभी उसको तुरंत जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और मैं मुंबई पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक महिला की बात सुनी और FIR रजिस्टर। और बाकी यार उसके बाद एक ये वीडियो देखने को मिली जो कि उनकी बहन ने शेयर की थी, जिसमें अदनान अपने फादर को गाली वगैरह बक रहे थे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये बेवड़े मारी के छोरी ऊपर से सीना जोरी, औकात में रह के बात कर समझाना मारी के। एक अच्छा ना बाप बन पाया ना अच्छी औलाद बन पाया तू, तू कोई रिश्ता तेरा निभा नहीं पाया भाई, भागता है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब इस AI के दौर में ये सब रियल है या फेक कुछ नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने कुछ स्टोरीज भी शेयर की थी, आप देख सकते हो। और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अदनान का रिप्लाई देखने को मिला है जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट करा है, आप वीडियो देख सकते हो। हाय एवरीवन, तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से कुछ रूमर्स फैल रहे हैं और मैं इस पे रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा, पर फिर PR वाले उठा के उस चीज़ को डाल रहे हैं क्योंकि अदनान की शादी बहुत ज़्यादा हाइप में थी और बहुत लोगों के नज़रों में खटके, खासकर कुछ अपने पुराने जो थे उन लोगों के। तो उन लोग फेक एलिगेशन लगा रहे हैं और FIR की कॉपी, फेक FIR की कॉपी डाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, मैं भी बहुत सारी NC किया हूँ, FIR किया हूँ। सही टाइम पे जो गलत है वो बार्स के पीछे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुंबई पुलिस पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मेरे चाहने वाले हो घबराओ मत, बहुत ही जल्द सच आप लोग के सामने आने वाले हैं। टेक केयर। तो बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ के बारे में। तो यार काफी ज्यादा लोग शॉक्ड हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी जिसमें वो प्रेम आनंद जी से क्वेश्चंस कर रही थी अपनी लाइफ से रिलेटेड, और उस टाइम लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि ये रीतू राठी ही है या फिर कोई और, लेकिन अब ये कन्फर्म हो चुका है कि वो रीतू राठी ही थी। बाकी क्लिप्स आप देख सकते हो। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जू के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्रीजी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण टूट जाए। नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ, समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए, आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं,
अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही, एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में? हाँ शायद कर सकती, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रही हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रही हो, अपने सुखों का त्याग कर रही हो। परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। और उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट को कमेंट्स में काफी ज्यादा हेट आना शुरू हो गया, जो कि आप देख सकते हो। और उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिला, जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, आप देख सकते हो। और उसके बाद यार काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगने शुरू हो गए फ्लाइंग बीस्ट पर कि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया है, इसीलिए रितु राठी ने ऐसा क्वेश्चन करा था। और फ्लाइंग बीस्ट का एक पुराना वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा हेट मिल रहा है, आप वीडियो देख सकते हो। एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, जब बेबी होता है ना, जब आप जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट टू टू थ्री मंथ्स, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई है 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80-82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट, तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिकॉज कहता है ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं, बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं। भाई साहब प्यार व्यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है, तो सकती। और उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिए फ्लाइंग बीस्ट पर, आप देख सकते हो। और इस सब के बाद रितु राठी का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो यार काफी ज्यादा गुस्सा दिख रही थी और काफी ज्यादा इमोशनल भी दिख रही थी। और बाकी उन्होंने अपने डिवोर्स को लेकर क्या कुछ बोला, आप देख सकते हो। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो भी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड, वाज दैट मी? यस। बट सम पीपल नीडेड तड़का, मेरे फेस को जूम इन कर ओह दैट्स हर वॉइस। एम आई अबला नारी? नो आई एम नॉट। रियलिटी चेक, द मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है, उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए, एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी इश्यूज रिजोल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पायलट, बट बिकॉज सेम मैन ड्यूरिंग दीज 8 ईयर्स मेड मी इक्वली केपेबल, इक्वली समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हैं। कभी ऐसा होया है कि आपने
अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके, होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी, उसके जो उसूल है ना, मैंने आप तो सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, ना मेरे के लिए कुछ गलत हो यार। मेरी श्री जी है मैंने संभालन खातर, अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी। रियलिटी यह है उसको यू नकली बना देना, इट्स अ टिपिकल बिहेवियर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन अ मैन एंड टू शो आई एम बिचारी, आई हैव नथिंग, सो सॉरी यार, ना गलत करूं ना गलत सहूं। ऑलराइट, सो अभी तक के लिए मेरे पास यही अपडेट थी। बाकी इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जैसे ही मेरे पास कोई आगे की अपडेट आती है तो मैं जरूर पोस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।